अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तकरीर करने नहीं आया, ये बड़े बड़े भाई हैं, पड़ोस में रहते हैं। तकरीबन 72 साल मेरी उम्र है और हदीस मुबारका है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने फरमाया कि जो हक की बात जानता हो और ना कहे वो गुंगा शैतान है। भाई मोहम्मद अदालत इस इलाके की वो शख्सियत हैं जो नाकाबले फरामोश हैं। ये मरे नहीं, एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल हुए हैं। ऐसी शख्सियात मरकर भी जिंदा रहती हैं और हर मकाम पर पंचायत में इन्होंने हमेशा सच्ची बात कही है। ऐसे पंचायती हजारों में एक मिलते हैं और इनके साथ मेरा दारीना बहुत पुराना ताल्लुक वास्ता था। ये इंतहाई मेहमान नवाज, इंतहाई हकबाज और सच्ची बात कहने वाले मुजाहिद थे। इनके जाने के बाद ये कमी अरसा दराज तक पूरी नहीं हो सकती। हजरात ग्रामी, इनके भाइयों जिस तरह मास्टर रमजान साहब और मुझसे कबर जो मकररीन हैं उनकी मैं तहिद करता हूँ और मैं तकरीर करने नहीं हाजिर के तौर पर आया हूँ कि ये बहुत नेक मेहमान नवाज गुनागुन खूबियों के मालिक थे। और हमेशा सबसे बड़ी खूबी ये थी कि यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई पंचायत हो, कुंभे से कोई दूर हो, ये नजदीक कर देते थे और नामुमकिन को मुमकिन बना देते थे। और आदमी सोच भी नहीं सकता था कि ये दो कुंभों के दरमियान सुलह नहीं होगी, ये सुलह करा देते थे। ऐसी शख्सियत के जाने के बाद हम कभी भी फरामोश नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला इनके भाइयों तमाम लवाकी पसमंदान को इस अजीम सदमे पर अजर आसीब अता फरमाए और तमाम लवाकी हम सब की हाजिरी और तमाम शुरका जनाजा हम सब की हाजिरी को बुलंद फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।